और दीक्षा देना क्या कार्यक्रम होता है, पेरेंट्स भी खुश है और यहाँ बैठे हुए सभी आपकी इस खुशी में सहभागी हैं, मैं भी आपकी इस खुशी में सहभागी हूं और इसलिए आप सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित हूं और मंच पर यहां उपस्थित है मेरे साथ, इस सेक्टर में अगर नौकरी देनी है तो लगभग मुझे लगता पूरे देश में 8% होता है, 8% इफ यू एक्सटेंड टू सम प्राइवेट प्लेयर्स इन दिस इट विल नॉट गो बियॉन्ड 10 or 12%। पूरे देश के युवा अपने कितने हैं, हर वर्ष कितने लोग बाहर आते हैं और इन सबको हम नौकरी दे पाएंगे? नौकरी ठीक है, करनी भी चाहिए, परंतु इतने वर्षों से हमारी सोच ऐसी बनी है कि मुझे ग्रेजुएट बनने के बाद, आप ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी स्नातक का, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी कॉलेज फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री, ही फील्स दैट आफ्टर द सर्टिफिकेट आई मस्ट गेट अ नौकरी, आई मस्ट गेट सम सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट टू। दीक्षा और दीक्षा देना क्या कार्यक्रम होता है? मेरा ऐसा मानना है कि यह दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत नहीं है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, दिस इज जस्ट अ दीक्षांत। यू हैव बीन गिवन सम डिग्रीज, अ सर्टिफिकेट, अ पेपर विच रिकॉग्नाइजेस यू दैट यू आर समथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप सब बाहर जाकर उस कागज को, डिग्री को दिखाएंगे और क्या करेंगे? जब मैं यहां से सुवर्ण पदक 9000 नौकरी का उन्होंने घोषणा भी कर दी होती, लेकिन मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया। हमारे बच्चे यहां इतने डॉक्टरेट होकर आए हैं, स्नातक होकर बाहर आ रहे हैं, अपनी डिग्री लेकर बाहर जाएंगे तब सब नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं? ध्येय सिर्फ नौकरी है? तो सही रूप में आज का दीक्षांत समारोह सार्थक हो गया, क्योंकि आप ही तो लोग हैं। मैंने कहा यू कैन डू एंड अनडू, तो आप ही तो लोग हैं, तो इसलिए आप यहां आकर कुछ विचार लेकर जाना चाहिए, यहां से बाहर जाते समय संकल्प करके जाना चाहिए, निश्चय करके जाना चाहिए, इन नेक्स्ट 25 years आई विल डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, जिन मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए, ऐसा एक विचार लेने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद।